साथ में गोपनी चली और मतलब घर पूरा सुनो सुनो है पर पूरी तरह से कोई ना कोई बोल रहा है। गाइस आपका वेलकम मेरे नए ब्लॉग में। तो जस्ट क्यों पता है कि हम कल गए थे होटल में, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगी कि जो मेरे बैग है जिसके मेरे सारा सामान चार्ज हो गया सब कुछ वो लाइक हम होटल में भूले थे। तो देखते हैं अब आ जाके अभी लेके आएंगे हम जाएंगे तो, और मैं खाना खाता हूँ थोड़ा सा खाई लेता हूँ हल्का फुल्का। तो गाइस आज तो मनी है मेरी फेवरेट सब्जी आलू शिमला। ज्यादातर लोगों को इसका आलू पसंद है और मेरे को भी इसका आलू ही पसंद है और कहेंगे लोगों को आलू नहीं पसंद है। तो गाइस अभी खाना वाना खा लिया है तो पापा ला रहे हैं संग्रेस मोमोज, तो पापा आएंगे मोमोज और सूप ला रहे हैं। तो बस पापा इंजॉय करते हैं तो मैं पढ़ता हूँ तो बाद में मिलता हूँ। तो गाइस पापा आ चुके हैं बाहर, चलो बहुत जल्दी चलते हैं मोमोज वगैरह सूप वगैरह लेके आते हैं। और ये मैं गुड्डू हमारा बाहर इंतजार कर रहा है, चलो बहुत जल्दी चलते हैं। चलिए आगे पापा। पापा के ऊपर क्या चल रहा है ये भाई साहब? ओ गुड्डू नहीं 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 ओए मार से रहे मन तो वो प्रॉपर चढ़ गया ना खून उड़ा दी पूरे भाई। ये रहा सारा सामान सुप हो गया ना गुड्डू तेरे लिए नहीं है भाई। अभी ये ऊपर क्या पता इतने ऊपर उछले और चक देनी इतने सूप का काम तमाम। तो गाइस वो देखो गोरी यहाँ पे सोई हुई है और हमारे मोमोज यहाँ पे आ चुके हैं तो पूरा अंदर पैक हुए पड़े हैं। सूप साइड रख दो सूप बाद में पियेंगे। अब दीदी को बुलाता हूँ, दीदी में बाबर कमरे में पढ़ रहे थे। चलो भाई दीदी आ रही है और मोमोज खाना स्टार्ट करते हैं थोड़ी देर में, बस स्टार्ट करते हैं ना भाई। चलो खाता हूँ बाद में मिलता हूँ। तो गाइस देखो मोमोज आ चुके हैं और दीदी ने आती ही चुक लिया एक भुक्कड़, मजाक कर रहा हूँ। चलो तभी खाना स्टार्ट करते हैं। तो देखो कितने सारे सूप पड़ी हुई देखो ऊपर और इसके साथ ये सारा इसका सारा सामान। तो बस सूप पीते हैं बाद में मिलते हैं। हाँ। तो देखो गुड्डू फिलहाल पापा को छोड़ रहे नहीं था, पापा भी आए हैं घर पे आते ही गुड्डू चिपक गया। मेरे पास चिपक गया है प्लीज भाई। और गुड्डू यहाँ पे चू चू कर रहा है और दीदी भी पढ़ रही है तो मैं अपना सूप पीता हूँ मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस मासी जी और जा चुके हैं वापिस अपने घर पे, तो साथ में गोपनी चली और मतलब घर पूरा सुनो सुनो है पर पूरी तरह से कोई ना कोई बोल रहा है ना कोई है अंदर हम सोए पड़े हैं ना कोई बातें कर रहा है बस चुपचाप जैसे होता है वैसे ही। तो हमें दो दिन छुट्टी मिली स्कूल की, कल की कल तो इलेक्शन है 12 तारीख को और परसों की परसों है संडे, संडे छुट्टी होती है। आप लोगों ने देखा ये दो दिन का एक ही ब्लॉग है मिल के, तो फास्टिंग कोई ज़्यादा कुछ खास था नहीं और ये ब्लॉग में से ज़्यादा जल्दी स्टार्ट नहीं कर रहा, रात को स्टार्ट कर रहा हूँ ऊपर अंधेरा पड़े। तो भाई कुछ नहीं बचा पाएंगे अब ओवर करेगा, खाना खुना खा लिया मैंने। तो गाइस अब ब्लॉग भी एडिट हो चुका है तो मैं एक ब्लॉग की एडिटिंग बाद में करता हूँ। तो बस फिर मिलूंगा आपके एक नए ब्लॉग से, तक के लिए बाय बाय जय हिंद।